हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मंडू डेटेस। तो फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार ही पूछा है कि आपके पास एक पेंटियम ड्यूअल कोर प्रोसेसर है या फिर कोर टू क्वाड प्रोसेसर है, उसमें आपको कौन सा वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करना चाहिए गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो आज फ्रेंड्स पूरी वीडियो इसी के ऊपर है। मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहता आया हूँ रिप्लाई में कि फ्रेंड्स आप बेटर रहेगा एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड उस पर लगाने की जगह आप बोर्ड और प्रोसेसर को अपग्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास अभी एक पहले से पड़ा हुआ था प्रोसेसर E6600 जो कि एक कोर टू ड्यू प्रोसेसर है ड्यूअल कोर का, बहुत पुराने टाइम का है, 2012 के आसपास का। और साथ ही साथ मेरे पास NVIDIA का GT610 ग्राफिक्स कार्ड है 1GB वाला वेरिएंट। तो ये बहुत ही एक लो एंड कार्ड है, आपको 4-5 हजार रुपए के आसपास ये परचेज करने के लिए मिल जाता है। तो वहीं पे फ्रेंड्स मेरे पास है NVIDIA का GTX 1050 Ti भी। तो फ्रेंड्स आज हम जो मैं बिल्ड करने वाला हूँ सिस्टम, उसमें हम 1050 Ti भी लगाकर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो पुराने सिस्टम्स होते हैं उन पे अगर ऐसे ग्राफिक्स कार्ड लगाएं तो जो CPU है वो बॉटलनेक करता है और काफी ज्यादा परफॉर्मेंस आप उसमें लॉस कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड पहले अपग्रेड करेंगे और बाद में ऐसा आप ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छी जो है परफॉर्मेंस मिलेगी, बजाय कि आप एक लो एंड ग्राफिक्स कार्ड खरीद लें, उससे कोई फायदा अब नहीं होने वाला है इस टाइम पे। तो फ्रेंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये बिल्ड। तो फ्रेंड्स जो कंपोनेंट्स मैंने इसमें यूज करें इस बिल्ड में, जो कि मैं आपको एज ए डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाला हूं, उसमें जो कैबिनेट है वो यहाँ पर आईबॉल का है, बहुत ही स्लिम कैबिनेट है। अभी जब मैं ओपन करूंगा तो आपको दिख जाएगा। और इसके अंदर आपको पावर सप्लाई इंक्लूडेड मिलती है 450 वॉट्स की। साथ साथ जो प्रोसेसर और जो ग्राफिक कार्ड है वो मेरे पास ऑलरेडी था ही, तो जो प्रोसेसर था उसे मैचिंग के लिए एक मदरबोर्ड चाहिए था जो कि मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा था। वहीं पे काफी मुश्किल से मुझे ढूंढने के बाद एक मर्करी का जो है एक्सट्रीम बोर्ड मिला जो LGA 775 सॉकेट सपोर्ट करता है। यानी यहाँ पर आप अपने ड्यूअल कोर प्रोसेसर कोर टू क्वाड वाले और कोर टू ड्यू वाले दोनों ही यूज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे स्टोरेज के मामले में मैंने WD 1 TB की हार्ड ड्राइव ली है जो कि फर्दर मुझे यूज में भी आ जाएगी। और वहीं पर रैम की बात करूं तो 2-2 GB की स्टिक मैंने 4GB के लिए है यहाँ पर हाइनिक्स की। और फ्रेंड्स और जो प्रोसेसर है वो Q6600 है जो कि हम इस पर लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसी के लिए है कि जब आप अगर एक पुराने सिस्टम पे अगर जो लो एंड वाले ग्राफिक्स कार्ड है 610 जैसे वो लगाते हैं तो आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, और जब अगर उसी सिस्टम पे आप 1050 Ti लगाने की सोचते हैं तो आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बिल्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप अपने मदरबोर्ड को बहुत ही आराम से निकाल लीजिए ताकि उसे कोई भी डैमेज ना हो। उसके बाद मैं प्रेफर करूंगा कि आप बॉक्स के ऊपर रखकर ही मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स को बाहर पे ही फिट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए प्रोसेसर को फिट कर लेते हैं। तो प्रोसेसर को LGA 775 पे फिट करने का ये तरीका है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी डॉट या फिर ट्रायंगल देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पता लगाना होगा नॉचेस से। यानी दो कट्स होते हैं प्रोसेसर की जो सॉकेट है उसमें और प्रोसेसर में, उसको आराम से आप उसमें जो है लगा दीजिए और कोई प्रेशर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर रिटेंशन आर्म को आप बंद कर दीजिए और ये आपका प्रोसेसर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। वहीं पे नेक्स्ट ऑफ ऑल चलिए आप स्टॉक कूलर को भी लगा लेते हैं। इसकी 4 साइड्स होती हैं और उसको आप आराम से लगा के लॉक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक कूलर है वो भी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ द फ्रेंड बात आती है आप अपनी रैम इंस्टॉलेशन की। रैम इंस्टॉलेशन में आप अपनी रैम स्टिक को निकाल लीजिए, अपने जो रैम के स्लॉट्स हैं उनको ओपन कर लीजिए और वहां पे इजीली इंसर्ट कर दीजिए 2 स्लॉट्स में रैम को, जैसे कि हमारे पास 2 स्लॉट है। रैम इंस्टॉलेशन के बाद अब हमारा मदरबोर्ड जो है काफी हद तक रेडी हो चुका है। उसके बाद आप अपने PCI ग्राफिक्स कार्ड को भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेटर ऑन ग्राफिक कार्ड पर लगाएंगे तो बेटर रहेगा। वहीं पे चलिए फ्रेंड्स अब कैबिनेट को ओपन कर लेते हैं। और कैबिनेट को ओपन करने के बाद इसमें आप अपने मदरबोर्ड को जो है वो फिट कर लीजिए इनसाइड, और अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स में जो मदरबोर्ड है उसे स्क्रू इन कर लीजिए। स्क्रू इन करने के बाद फ्रेंड्स पावर सप्लाई इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। अपने 24-पिन पावर कनेक्टर को कनेक्ट कर लीजिए, अपनी हार्ड डिस्क को इंसर्ट कर लीजिए जो है कैबिनेट के अंदर। हार्ड डिस्क इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने सारे कनेक्शंस को प्रॉपरली लगा लीजिए पावर के, साटा के, और तो आप यहाँ पर जो आपका कैबिनेट है वो काफी हद तक रेडी हो जाता है। अब एट द टाइम लास्ट आता है फ्रेंड्स अपने ग्राफिक कार्ड को इंसर्ट करने की। अब यहाँ पर आप अपने ग्राफिक कार्ड को भी इंसर्ट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स जो आपका PC है वो काफी हद तक जो है वो बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पर अब चलते हैं फ्रेंड्स इसे ऑन करने की ओर।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, विंडोज भी हमने इंस्टॉल कर ली है और ड्राइवर्स भी इसके मैंने अपडेट कर चुके हैं 610 के, जो कि ग्राफिक्स कार्ड हमने Q6600 प्रोसेसर के साथ यूज करा था। तो फ्रेंड्स जो ये ओवरऑल बिल्ड था इसकी जो प्राइसिंग थी वो थी लगभग 8000 रुपए मुझे लगा इस बिल्ड को बनाने में, क्योंकि यहाँ पर आप फ्रेंड्स 1050 Ti 610 ग्राफिक कार्ड इंक्लूडेड नहीं है पैसों में, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास था। यहाँ पर मैंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करे थे मदरबोर्ड और रैम और हार्ड डिस्क में। तो 3300 रुपए के आसपास कुछ हार्ड डिस्क आई, 2000 रुपए के आसपास मदरबोर्ड आया और करीब 1400-1500 रुपए की रैम आई। तो टोटल ओवरऑल बिल्ड हमें काफी सस्ता पड़ गया। तो यहाँ पर यही मैं आपको दिखाने के लिए ही मैंने ये बिल्ड जो है बनाया है। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में मैं आपको वो जो है बेंचमार्किंग्स और स्कोर वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं लेके आऊंगा इसकी बेंचमार्किंग्स और स्कोर्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है इस पुराने वाले प्रोसेसर के साथ या फिर नहीं इतना अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कभी भी आप पुराने मदरबोर्ड से अब के हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड मत यूज कीजिए, और जो GT610 जैसे ग्राफिक कार्ड है लो एंड अब उनकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है क्योंकि वो उतने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूं आपको ये वाली वीडियो जो है बिल्ड की अच्छी लगी होगी और जो नेक्स्ट मैं स्कोर और बेंचमार्क्स ला रहा हूं आपको काफी अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।